Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। स्वागत है आपका आपके अपने शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। जिंदगी से जुड़े हुए रहस्यों में सब जूझ रहे हैं, चाहते यही हैं कि आपको जो समाधान है वो ऐसे मिले जो सरल हो, जिनमें कठिनाइयां जो हैं वो ना हो। अब कुछ ऐसा हो जाए कि आप वैसे दुखी हैं, आगे जिस ज्ञानी के पास आप गए उसने उपाय ऐसे बता दिए कि जिसने आपकी कठिनाइयों में एडिशन कर दी, प्लस कर दिया, होगा क्या कि आप और परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा यही है, हम नहीं कहते कि हमारे जो ज्ञानी हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आप उनके पास आइए, वो भी ऐसा नहीं कहते कि आप उनके पास आइए। वो ये कहते हैं कि आप सेंसिबिलिटी से डिसीशन लीजिए कि जिसके हाथ में आप अपना वर्तमान और भविष्य रख रहे हैं, चाहे वो कुंडली के रूप में हो, चाहे वो विश्वास के रूप में हो, क्या वो उस काबिल है। ये पात्र की बात करते हैं, तो आपको यही देखना है कि क्या उसका उतना पात्र है जितना आप उसको दे रहे हैं। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये भी बता दें कि आपकी तरफ से कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें आती थी कि हम चाहते हैं प्रोफेसर साहब से बात करना, और प्रोफेसर साहब से बात नहीं होती, उनके स्टाफ से बात होती है, तो हम चाहते हैं कि हम आ नहीं सकते या पैसे की दिक्कत है तो प्रोफेसर साहब हमसे बात करें। आपको हर एपिसोड में ही बताते हैं कि प्रोफेसर साहब सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो खोजी भी हैं, वो खोज कर रहे हैं, और जब खोज की बात आती है तो दिन रात एक हो जाती है। एक तो कुंडलियाँ देखना, आपके घरों में जाना, इसके अलावा और बहुत कुछ होता है करने को, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं आप सब जानते हैं। अब होगा ऐसा कि आपको मिलेगा बहुत जल्द एक नंबर जिसपे आप करेंगे मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, जिसपे आप करेंगे मैसेज, और उस मैसेज के बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम पूरा आधा घंटा दे देंगे, यानी आधे घंटे तक आपकी ही प्रॉब्लम का निपटारा होगा एपिसोड के जरिए। घर बैठे ही आपको वो सारे समाधान मिल जाएंगे। बाकी एपिसोड की शुरुआत करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते। टॉपिक आज का ये है बच्चे, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की सेहत। कैसे उदास हो जाते हैं हम जब घर में बच्चा बीमार हो जाता है, उस बच्चे के साथ साथ सारे बड़े बीमार हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं उसकी हालत। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि 9 महीने स्वस्थ रहा पेट में माँ के गर्भ में, उसके बाद वो बच नहीं सका। ऐसा क्या हो जाता है कि जन्म लेता है उसके बाद उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज पे बात करेंगे बच्चों के मामले में। पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब। बच्चों के बिना दुनिया खाली खाली लगती है, बच्चे नहीं तो कुछ भी नहीं। आप ये बताइए कि ऐसा होता है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि माँ के गर्भ में बच्चा सही है, रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, लेकिन जैसे ही सब सही चलता होता है, बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तो वो बच नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से कारण हैं पुनीत जी, जब बच्चा बच में नहीं पाता। एक लेडी मेरे पास आई थी, कहती थी मेरे को बहुत शौक था बेटी का, उसके 2 बेटे थे, उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात करूंगा, उसकी कुंडली में 12वें घर में बुध था। 12वें घर में बुध राशि कौन सी थी, कौन सा ग्रह थे साथ में, मैं अभी भूल चुका हूँ, बहुत पहले की बात है। जब 12वें घर में बुध होता है, साथ में मंगल, साथ में शनि, जब ऐसे कुछ योग आते हैं तो कहते हैं बहन, बुआ, मासी, धी दुखी रहते हैं, हो नहीं पाते, अगर होते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। कुछ बहुत लिखना पड़ेगा यहाँ पे कौन से योग है, वो बात की बात है। कहती हैं जब बच्ची मेरी पैदा हुई, जब पैदा हो चुकी थी, जब बच्ची को बाहर निकाला, 9 महीने पूरे ठीक रही, जब पैदा होने वाली थी
जो नड़ुआ था माँ का, उसी बच्ची के गले में जब बाहर निकाले गले में फंस गया, उसको सांस नहीं आई, नड़ुआ दब गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे? चलो कुछ तो कारण ये बन गए। कुछ कारण ये होते हैं कि बच्चा बाहर आता ही है, सांस लेता है, कुछ महीने महीना दौड़ महीने रहता है, चला जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे छोटी सी एक गाथा मैं जरूर सुनाऊंगा। जब तक मैं गाथा नहीं सुनाता तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरा ज्ञान देना चाहिए जो मैंने खोज की। गोरखनाथ का नाम सुना होगा आपने, हमारे गुरु नानक देव जी के बले में था गोरखनाथ जी। उन्होंने बहुत सी खोजें कर रखी थी गोरखनाथ ने। नाथ जो होते हैं, जो नाथ होते हैं उनके पास बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। उन्होंने बहुत खोजें की रखी हुई हैं। नाथ कान को क्यों छेदते थे, नाक को क्यों छेदा जाता था? चलो एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, कभी सुनने को नहीं मिला होगा। मैं जब भी कोई सीक्रेट बताता हूँ तो मेरे अंदर से बातें आती हैं। पहले तो मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, जिस घर में बच्चे नहीं बचते, उस घर में जो बच्चे का छोटे होते हुए ही छोटा सा कान में छेद कर दे, बच्चा नहीं मरेगा। क्या बात! एक छोटा सा उपाय और बच्चा बच जाए, ये गोरखनाथ की कड़ जो मैंने आपको बताई। चलो इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ पहले मैं आपको। अभी से ही देखिए, अगर मन बहुत भरा हुआ है आपका परेशानियों से, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत परेशानी है, अभी ऐसा दिल करता है मर जाए, इतनी हमारी तकलीफ़ आ रही है, तो दोनों कानों को नीचे से धीरे धीरे ऐसे ऐसे दबा दीजिए, परेशानी एकदम से खत्म हो जाएगी। अभी कीजिए। आपको पता है ना कौन सी इंद्री जागती है जब हम कानों को छूते हैं? तो कीजिए, पता चलेगा आपको हमारी कौन सी इंद्री जागती है जो भगवान के पास हमें लाती है, भगवान के नजदीक लाती है। मन शून्य में चला जाता है। बहुत सी इंद्रियां होती हैं, जब हम कान को छूते हैं, कईयों को होता है कि नजदीक जाए, कईयों को होता है भगवान के नजदीक जाए, कईयों को होता है कि, चलो बहुत सी बातें हैं वो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये बात बताता हूँ कि जिस बच्चे की मृत्यु हो जाती है घर में, एक छोटा सा शगुन होता है, नाक में छेदन कर दें चाहे उसके कान में छेदन कर दें, बच्चा नहीं मरेगा। ये गोरखनाथ की है जो आपको बैठे बैठे मैंने बता दिया, जो हज़ार साल से एक रीत चलती आ रही थी। कहते थे नाथ बना दिया जाए कभी नहीं मरेगा, और वाकई में उसकी पीढ़ी में बच्चे मरने बंद हो जाएंगे जो नहीं जिंदा रहते। ये तो मैंने एक उपाय के तौर पे आपको उपहार दे दिया। अब रही बात दूसरी, बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? जब अब आती है बात ज्योतिष में, क्योंकि मैं ज्योतिष और भगवान को दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। मैं कभी ज्योतिष को अकेला नहीं लेकर चलता। साइंस के साथ अगर भगवान जुड़ जाए, उसके साथ आपका स्पिरिट जुड़ जाए, उसके साथ आप की आस्था श्रद्धा जुड़ जाए, तो वो ज्योतिष टीक जाती है एकदम, बोला हो गया। वो तभी होगा होता है जब आप भगवान को बहुत नज़दीकी से रखते हो, ये सोचते हो कि ये इंसान मेरे पास आया, ये भगवान ने भेजा है इसको ठीक करने के लिए, आपके पास भेजा है। और साइंस आपकी क्या कहती है, शनिदेव 12 घर में बैठे हुए हैं, सूर्यदेव 6 घर में बैठते हैं, तो बच्चा नहीं बचता। देखिए एक योग के बारे में मैंने और बता दिया, जब कभी सूर्य और शनि का मेल आता है आमो सामने, तो बच्चा नहीं बच पाता। जब कभी मंगल बद हो जाता है, मंगल कार्य घर में नहीं होते, तो भी बच्चा नहीं बचता। जब कभी केतु 6 हाउस में आ जाए, 8 हाउस में आ जाए, तब भी बहुत मुश्किल होता है बच्चे का बचना, तब गुरु भी पीड़ित होना चाहिए। ये बहुत से कारण होते हैं। केतु खराब होता है जब, गुरु औलाद का कारका खराब होता है, जब कभी मंगल खराब हो जाए, मंगल कार्य नहीं होते, तब भी बच्चा नहीं बचता। बच्चे का घर पंचम घर, चलो एक सीक्रेट और बताता हूँ, पंचम घर में जब मंगल देव आ जाते हैं तो प्रश्न से बच्चा होता है। कहते हैं बच्चे का टक लगा फिर हुआ, माँ के पेट में जब लगता है तो प्रश्न होकर बच्चा पैदा होता है। बहुत से ऐसे भेद हैं एस्ट्रोलॉजी में जो किसी को नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते। मैं खोज करता रहता हूँ, खोज करने के लिए मुझे समय चाहिए, और ये खोज तभी पूर्ण होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये उम्र बीत जाएगी, खोज कभी पूर्ण नहीं होगी।
खोज करता रहता हूँ हर दफ़ा, हमेशा ही। जब भी कोई कुंडली आती है उसमें खोज करता हूँ कि ये इंसान कैसा, ऐसे कैसे हो गया। मुझे जल्दी कभी नहीं होती, जल्दी मुझे तब होती है जब बाहर कोई इंसान मेरी वेट करता है। मैं वेट किसी को नहीं करवाता, ना मैं वेट करता हूँ ना मैं वेट करवाता हूँ किसी को। मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता, मेरी कोशिश यही होती है जो मेरे पास आया, समय लेकर आया, उसे जल्दी जल्दी मैं अंदर बुलाऊँ। मेरी कोशिश यही होती है, मैं किसी को वेट नहीं करवाता। मैं भी समय का पाबंद हूँ, जब भी मुझे पता है मैंने 8:15 या 8:30 ऑफिस में जाना है तो पूरे 8:15 ऑफिस में ही होता हूँ। समय की मैं कदर करता हूँ, समय मेरी कदर करता है। आप भी समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा, इसलिए समय की कदर कीजिए। जब अपॉइंटमेंट लेते हो 11 बजे की तो 10:45 ही आकर बैठना चाहिए, ये नहीं कि 11:30 आते हो फिर आधा घंटा जब मैं किसी और को बुला लेता हूँ तो फिर ऐसे 11:30 वाला बोलता है मैंने तो 11 बजे की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। आधा घंटा आप लेट आए हो तो आपको कम से कम घंटा तो बैठना पड़ेगा ही, क्योंकि दूसरा जब बंदा आएगा तीसरा बंदा आएगा। इसलिए जब भी अपॉइंटमेंट लेते हो तो समय से पहले आइए, इससे आपका गुरुदेव अच्छा होगा, औलाद का कार का। चलो वो बाद की बात है, समय की बात में आती, पहले उसी टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि जब तक मैं कहानियाँ या पिछली बातें नहीं बताता या पिछली जो खोजें कर रखी है वो नहीं बताता, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। प्रोफेसर साहब, इससे पहले हम आगे बढ़ें तो एक प्रॉब्लम जो और भी आ रही है, कारण इसका लाइफस्टाइल भी बताते हैं डॉक्टर्स, तो बोलते हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है तो ये दिक्कत आती है, टाइम नहीं है, जिनके बच्चे हो नहीं पाते उसके लिए बहुत आसान है। जब सुनिए बहुत ध्यान से, स्त्री को हमेशा जो उसका हस्बैंड है उसकी लेफ्ट साइड सोना चाहिए। स्त्री को हमेशा अपने हस्बैंड की लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड सोओगे तो क्या होगा, बच्चा जरूर पैदा होगा। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जो एक्स में एक्स वाई जेड जब मिलते हैं वो बाद की बात है, वो डॉक्टरी की बात है, बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कर दूं। जब स्त्री लेफ्ट साइड सोती है तो अपने हस्बैंड को और देखती है तो राइट साइड उसका होता है। आज तक तो मैंने योग जो चल रहे हैं आज तक, वो योग पता कैसे हैं, जिसके बच्चा नहीं हो पाता, सबसे बड़ा कारण बता दूं, आज हैरान हो जाओगे, प्रोफेसर साहब को यहाँ पर बैठे कैसे पता चला। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्त्री राइट साइड सोती है, जब दोनों सोते हैं दोनों का मुख उसका दीवार की तरफ होता है, उसका उधर की दीवार की तरफ होता है, दोनों एक तरफ मुँह ही नहीं करते, तो बच्चा कैसे पैदा होगा। शिव जी की गाथा सुनाता हूँ एक छोटी सी, जब तक गाथाएँ ना सुनाऊँ तो तब तक आपकी कहानी पूरी नहीं होती, ये एपिसोड भी पूरा नहीं होता, मुझे भी ऐसा लगता है। जब भोले शंकर जी पार्वती के पास जा रहे थे तो गणेश जी को बाहर खड़ाया था, जब गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया था तो उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया था। तब धारणा थी, ग्रंथों में लिखा हुआ है, किसी ऐसी माँ को ढूंढिए जहाँ जो माँ अपने बच्चे की ओर पीट करके सोए। एक हाथी था, हथनी थी, वो उसने अपने बच्चे की ओर पीठ कर रखी थी, उसका गला लेके आए थे। सुनी है ये कहानी, बहुत पुरानी है, सुनी है सबने। इसलिए जो पीठ करके सोते हैं तो बच्चा कैसे होगा। 95% लोग जो पीठ करके सोते हैं बच्चा नहीं पैदा होता, सबसे बड़ा कारण ये है। हम कहते हैं ग्रहों को दोष देते हैं, अपने आप को दोष नहीं देते, जो गलतियां करते हैं आप। मैंने आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताया कि आप ऐसे करते हो तभी नहीं हो पाता। हमेशा आपकी खुशी में दीप जलता है, ना कि कलेश में झगड़े में दीपक जलाने की कोशिश करो तो वो दीपक कभी नहीं जलेगा। खुश रखा कीजिए अपने जीवन साथी को, ताकि शुक्र होती है पत्नी, शुक्र पत्नी होती है, मिट्टी भी शुक्र होती है। जो बंजर मिट्टी होती है वो कभी शुक्र नहीं होते, वो मंगल होता है। जो गर्म मिट्टी, जो बंजर मिट्टी जिसमें कंकर होते हैं वो कभी शुक्र नहीं होते, वो शनिदेव होते हैं। क्योंकि जमीनों में कौन कौन सी जमीन होती है ये भी बहुत भेद है, इसमें भी चलो चलते हैं बाद में। पहले आपको शुक्र के बारे में बता दूं,
जो गीली मिट्टी होती है वो शुक्र होती है। गीली मिट्टी में बीज दोगे तो बीज फूटेगा। शुक्र है आपकी पत्नी, आपकी पत्नी खुश रहेगी तो बीज फूटेगा, तब तक बीज नहीं फूटेगा। पत्नी को खुश कीजिए, शुक्र को खुश रखिए। शुक्र खुश कैसे हो रहेगा? अगर आप जीवन साथी को प्यार दोगे, दोनों जिन, ये नहीं एक जिन, जब एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, तब तक जो बीज पैदा नहीं होगा, बीज फूटेगा नहीं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो बीज होता है शुक्र में, यानी कि मिट्टी में ही फूलता है। मिट्टी है खुशी, मिट्टी आपकी क्या है? खुशी। जो खुश, गाड़ी, व्हीकल, मकान, कोठी, ये मिट्टी है आपकी शुक्र। ये तभी फूटेगा जब आप खुश रहोगे, जब आप दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके सोओगे, ये नहीं कि पीठ करके। 95% लोग ऐसे सोते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता। ये तो आई बात, अब आती है ग्रहों के। जब बच्चा पैदा नहीं होता तो केतु और गुरु खराब होता है। केतु 6th हाउस में होगा, गुरु 12th हाउस में होगा। पंचम का मालिक 12th में चला गया तो क्या हो गया? गिर गया बच्चा पेट में ही, पेट में बच्चा खराब हो गया। ऐसे बहुत से योग होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? स्थापित तीसरे घर में कर देना चाहिए। तीसरा घर में क्या है? पंचम का लाभ। तीसरा घर पंचम का लाभ स्थान बनता है भाई। पंचम का लाभ स्थान पुखराज डाल लीजिए। ये पुखराज में बहुत भेद है, येलो डलना है, पीला डलना है, येलो कच्चा पीला और वाइट, कितनी ग्रेविटी का, ये लोगों को पता नहीं, डाल देते हैं सभी। फिर उसके बाद चलो स्टोनों को छोड़िए, स्थापित कीजिए दूसरे घर में पंचम का दसम स्थान। दूसरा घर हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क में आप हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। बहुत से ग्रह ऐसे हैं जो एक दो उपाय से सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। केतु है काला सफ़ेद कुत्ता, घर में काला सफ़ेद कुत्ता पाल लीजिए तो केतु ठीक हो जाएगा, केसर का तिलक लगाइए, बच्चा होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है उपाय, लेकिन इसलिए ये देखना पड़ेगा कि आपका गुरु कौन से घर में पड़ा है, आपका केतु कौन से घर में पड़ा है। ये तो हुई संतान होने की बात। अब बात आती है संतान अगर पैदा हुई, ये तो बहुत से पूछते हैं, प्रोफेसर मुझे ये बताइए मेरी अगली संतान कौन होगी। यहाँ पे भी मैं हर बात को सबको रोकता हूँ। जो ज्योतिषी ये बताता है कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की, हमारी लाल किताब में पहली लाइन पे लिखा हुआ है, उस ज्योतिषी को कोढ़ की बीमारी लगती है। ध्यान से सुनिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी भी नहीं। हमें पता भी होता है कि गुरु पंचम में चल रहा है, बेटा होगा, तब भी हम नहीं बताते। हमें पता होता है गुरु सैकंड घर में चल रहा है तो बेटा होगा, हम फिर भी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो दिया है, आप कौन होते हो सबको बताने वाले? भगवान जो दे रहा है कभी किसी को ऐसा नहीं, जिसकी जो क्षमता होती है वही देता है। अगर जो जरूरत है वो भगवान को पता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता हूँ ग्रहों के ऊपर, क्योंकि मेरे धीरे धीरे बातें फिर वहीं चली जाती हैं, फिर वहीं टॉपिक पे आते हैं। बच्चा केतु और गुरु से आता है और साथ में मंगल कार्य, यानी कि मंगल भी सही होना चाहिए। मंगल सही कैसे होगा? दोस्त मित्र रिश्ते नाते ये सारे मंगल ही होते हैं। चलो एक सीक्रेट बताता हूँ आप सबको मैं, पुलिस वाला जो होता है ये मंगल होता है। उसको चाय पानी पिला दीजिए, खुश कर दीजिए, जाते जाते पानी की बोतल, गर्मियाँ आने वाली हैं, जाते जाते ट्रैफिक वाले को पानी की बोतल दीजिए, देखिए मंगल कार्य कैसे होते हैं। ये प्योर उपाय है जो हम कभी पूछते भी नहीं। और हम क्या करते हैं कि हम दो गाड़ियाँ निकाल के निकल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मंगल खराब कर रहे हो, मंगल कार्य अपना। जब हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, जब हम भीड़ में लोगों को गाली निकालते हैं, मंगल खराब होता है इससे। हम खुद ही अपने ग्रह खराब करते हैं, फिर ज्योतिषियों के पीछे लाइन लगा के भागते हैं कि हमारा ये ग्रह कब ठीक होगा। मेरी यही कोशिश होगी कि आपको घर बैठे सभी ग्रहों के बारे में बता दूं, ताकि ग्रह कैसे ठीक किए जाते हैं। बहुत आसान है ग्रहों को ठीक करना। और बच्चों के बारे में आज मैंने आपको बता दिया, गुरु और केतु को ठीक कर लीजिए, बहुत बढ़िया बच्चा होगा। केतु 12th घर में सबसे बढ़िया होता है, झंडा घर के ऊपर लगा लीजिए।
कुछ लोग आके कहते हैं हमारे भी झंडा हम कैसे लगाएंगे, हमें लोग क्या कहेंगे। अरे भाई तिरंगा झंडा लगा दीजिए हमारे देश का, अगर कोई और नहीं लगाना चाहते तो। इसलिए ये नहीं हम कहते, हम कहते हैं हमारे घर में लगेगा तो लोग क्या कहेंगे। सभी दुनिया करती है उपाय, और अगर आप बातें करते हो तो बातें तो पूरी दुनिया करती है एक दूसरे के बारे में। ये मत सोचिए, अपना उपाय कीजिए, अपने ग्रह ठीक कीजिए, ना कि लोगों के बारे में सोचकर अपने ग्रह खराब कीजिए। जी प्रोफेसर साहब, और भी एक सवाल है बच्चों को लेकर ही। हमने लाइफस्टाइल की बात की थी कि ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से डॉक्टर कहते हैं ऐसा हो रहा है। कुछ माओ को जो जब बच्चा होता है तो वो प्री मेच्योर हो जाता है समय से पहले 7वें महीने में 8वें महीने में बच्चा हो गया, और वो उस बच्चे को कभी कभी तो बचाना भी मुश्किल होता है। और अगर वो पैदा हो भी जाता है तो उसको उतनी देर में वेंटिलेटर पर रखते हैं ताकि वो अपने दिन जो है वो पूरे कर ले, और डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है पहले 5 साल। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? चलो समय बहुत कम है, मोटा मोटा बता दूं 9 महीने क्यों लेते हैं पता है आपको? 9 ग्रह होते हैं, कौन से महीने कौन सा ग्रह वो ब्रीकी में बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। जब बच्चा 7वें महीने में बच्चे जब होते हैं, सिर्फ दुनिया में 25% बच्चे होते हैं जो 7वें महीने में होते हैं, 20% 2 ग्रह पहले से शुरू से ही खराब लेके आते हैं। उसका पहले से ही लग्नेश कमज़ोर होता है, और लग्नेश उसकी पत्रिका जरूर दिखानी चाहिए, लग्नेश स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। छोटे बच्चे का कोई उपाय नहीं करवाना चाहिए। हम कहते छोटे बच्चे का उपाय हवन पे बिठा देते हैं धुनाने के लिए, बेचारा छोटा होता है, सांस लेने वाला नहीं होता। बहुत आसान सा उपाय बताने वाला हूँ, आप हैरान हो जाओगे, इतना छोटा उपाय से हमारा बच्चा इतना सेहतमंद हो गया। जो लगन होता है, मान लीजिए लगन आपका धनु लगन का बच्चा हुआ तो पीले रंग के कपड़े में लपेटिए, लगन स्ट्रांग हो जाएगा। मंगल के लगन का हुआ तो लाल रंग, मंगल के 2 रंग होते हैं। शुक्र के लगन का हुआ, शुक्र के 2 रंग होते हैं। देखिए वृष राशि का शुक्र या तुला राशि का शुक्र, तुला राशि का शुक्र वायलेट कलर, वृष राशि का शुक्र सफ़ेद कलर, ऐसी बातें किसी किताबों में नहीं मिलती। देखिए कलर कौन सा है, बच्चा कौन सा पैदा हुआ, कौन से लगन में, उस लगन का कपड़ा लपेट दीजिए, ऊपर कपड़ा उस रंग का दीजिए, टावल उस रंग का दीजिए, बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे पास, तो मैं यही चाहता हूँ जैसे मैं उपाय बनाता हूँ ऐसे ही आप सब बनाइए, ऐसे ही उपाय लोगों को बताइए, ताकि बच्चा आपका कभी भी ऐसा ना हो और स्ट्रांग हो जाए। बहुत आसान उपाय होते हैं, जैसा कि मैं सबको बताता हूँ, अगर कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी ना समझ आए तो दूध की मालिश, दूध से नहला दीजिए छोटे बच्चे को, कुछ भी उपाय ना कर सके तो। वो सबसे बढ़िया उपाय होता है चंद्र का, लेकिन देखना चाहिए चंद्र कहाँ आपका पहले खराब तो नहीं है, चंद्र आपका 8 घर का मालिक तो नहीं है, चंद्र आपका 12 घर का मालिक तो नहीं है। ये बातें यहाँ पे जरूर मैं थोड़ी सी बातें बताऊँगा, क्योंकि कई दफ़ा होता है मैं यहाँ पे उपाय बताता हूँ लोग करना शुरू कर देते हैं। हाँ वैसे मेरे उपाय 100% करने वाले ही होते हैं, लेकिन 1% जब अगर शंका हो तो किसी भी नज़दीक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि मेरे बच्चे का लगन कौन सा है, ये मैं उपाय कर रही हूँ तो ये चंद्र आप इसका अच्छा है या बुरा है, इतना ही पूछ लीजिए। और उपाय मेरे बहुत आसान होते हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि घर बैठे ही आप सबको मैं ठीक करूँ। बच्चे जो होते हैं, औलाद जो होती है, मैंने पहले भी बताया दुनिया सबसे ज़्यादा प्यार अपनी औलाद से करती है। चलो एक सीक्रेट और बताता हूँ आप सबको मैं, हम सब भगवान की औलाद है, भगवान हम सबको बहुत प्यार करता है, जैसे आप की औलाद आप सब प्यार करते हो इसी तरीके से। और जब कभी हमें तकलीफ आती है उसको पता होता है, वो क्षमता के मुताबिक वो चीज़ हमें देता है, वो जब तकलीफ देता है आपको सुधारने के लिए, आपको उस मकाम तक पहुंच जाओ ताकि उस चीज़ को हासिल कर सको, ना कि वो चीज़ पहले दे के पहले ही बिगाड़ पैदा कर दे, ऐसा कुछ नहीं करता वो। जब आप समझदार होते हो, जब उस चीज़ के लायक होते हो तब देता है। हम सब भगवान की औलाद है, वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं करता। हम कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा हो गया, अनहोनी हो गई, अनहोनी कभी नहीं होती, होनी होती है जब होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। जब कुछ आकर चला जाता है उसमें गलतियाँ हमारी ही होती हैं, हमारे ही ग्रह होते हैं। बहुत आसान है ग्रहों को ठीक करना। बच्चे की बात की, केतु को ठीक कीजिए, केतु काला सफ़ेद कुत्ता, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो काला सफ़ेद खरगोश ही ले लीजिए,
उसको घर में पालिए जोड़ी को, जब उनके यहाँ बच्चे होंगे तो आपका बच्चा पैदा हो जाएगा। बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे तो, मैं तो ऐसे खोजे करता रहता हूँ, आप सबको घर में बैठ के ही बताता रहता हूँ ताकि कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। जी अभी हमने बच्चों की हेल्थ के बारे में बात की, अब ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। पहले हमने छोटे बच्चों के बारे में बात की कि ओवरऑल हेल्थ जो है बच्चों की सही रहे, चाहे फिर वो 4 साल का हो या फिर 14 का, मतलब ओवर क्यों हेल्थ में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बच्चा बीमार होता है तो सभी बीमार। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा बीमार होता है तो काम काज करने को दिल नहीं चाहता, ये बिल्कुल सही है। बच्चे की ओवरऑल हेल्थ कैसे ठीक हो जाए, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी खिलानी नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि जब हम आप सब बाहर की चीज़ें खाते हो साथ में बच्चे को खिलाते हो तो बच्चा बीमार होता है। बच्चे को हमेशा घर का ही खाना घर में ही बना के घर में ही खाना चाहिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चों को बाहर की चीज़ें देकर खिलाकर और बच्चा बीमार हो जाता है, फिर हम डॉक्टरों को मेडिसिन लेते हैं, तो क्या होता है, नुकसान पैसे का भी, अपने काम का भी और बच्चों का भी। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, किसी डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा कभी भी या इंसान कभी भी, चलो आपको भी सीक्रेट बताता हूँ, भूखा नहीं मरता। इंसान जब पेट भर खाना खाता है तब मरता है, भूखा इंसान कभी नहीं मरता, ये बात याद रखना आप सब। इंसान की जब भी मृत्यु होगी, खाने से मृत्यु होती है, खाली पेट कभी मृत्यु नहीं होती। जब मशीन होती है हमारी बहुत दिन रह सकती है, लेकिन जब हम पेट भर के खाते हैं तूस के खाते हैं तो हमारी मृत्यु तय है, बीमारियाँ तय है। इसलिए कोशिश कीजिए बच्चे को बाहर की चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। अब आई बात, ये तो मैंने समझाया कि बच्चा बीमार कैसे होता है, अब आई बात ग्रहों के ऊपर। लग्नेश बच्चे का जरूर चेक करवाना चाहिए, कहीं लग्नेश 8 घर में तो नहीं बैठा, अष्टम में तो नहीं बैठा, लग्नेश कहीं 12 घर में तो नहीं बैठा, 12वें स्थान में तो नहीं बैठा, कहीं लग्नेश 6 हाउस में तो नहीं बैठा, 6ठे घर में। देखना पड़ेगा उस बच्चे का लग्नेश लग्न कहाँ पे बैठा हुआ है और लग्न का मालिक कहाँ पे बैठा, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, ये कुंडली में ही पता चलेगा। और कुंडली में बहुत आसान है ठीक करना, अगर भाई लग्नेश चंद्र है तो दूध का तिलक, अगर लग्नेश गुरु है तो क्या करना चाहिए, हल्दी का तिलक, अगर लग्नेश शनि है तो क्या करना चाहिए, शनि को तो एक ही चीज़ ठीक करती है, वो है भोले शंकर, तो क्या करना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर माथा टेकना चाहिए। अगर लग्नेश बुध है तो क्या करना चाहिए, बुध को भी एक ग्रह ठीक करता है, वायु, ठंडी हवा में रखना चाहिए। बच्चा अगर छोटा है तो हवा जरूर दिलानी चाहिए उसको, बुध ग्रह जिसका बुध लग्न होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है उपाय, लेकिन देखना पड़ेगा आपके बच्चे का कौन सा लग्न है, उस लग्न के मुताबिक आप इलाज कीजिए, देखिए बच्चा कैसे तंदुरुस्त होता है। बच्चों की जो कुंडली है वो जैसे बच्चा होता है तो तभी दिखा देनी चाहिए लग्नेश पता करने के लिए, या फिर हमें रुक जाना चाहिए कुछ वक्त? बिल्कुल सही कहा, बच्चे की जो कुंडली है, बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त दिखा देनी चाहिए भी हमारा बच्चा इतने बज गए, इतने मिनट में हुआ, कहीं गंडमूल में तो नहीं है। ये बहुत लंबी कहानी है, शॉर्टकट में बता दूँ, बच्चों की कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे की कुंडली पहले से ही पता चल जाता है कि बच्चा कौन से ग्रह लेके आया, उसका क्या इलाज है। बच्चे का जब उपाय होता है तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे की शादी होती है। ये शॉर्टकट में बताया, बारीकी में फिर बताऊंगा जी। जी इसी पे हम जरूर एक एपिसोड करेंगे, क्योंकि बात बच्चों की है, सवाल जो है बच्चों की जिंदगी का है, उनके फ्यूचर का है, उनके वर्तमान का है, तो उनके बारे में बात करनी बनती भी है। आज के लिए इतना ही, और आप अपना प्यार जो है वो बरसाते रहिए, विश्वास करते रहिए, देखिएगा सब अच्छा होगा। The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora